अपमान भी शुरू करके अच्छा किया। तो मुजफ्फरपुर की ये साहित्यिक उर्वरता है और उसकी अपनी समृद्धि है कि बाहर के लोग जो है लीची शहर के रूप में स्थापित करने रमेश लगे हुए हैं दिल्ली से। लीची शहर क्या रमेश लीची शहर कहते हैं मुजफ्फरपुर के शास्त्री जी नहीं रहे पूनम जी हैं मधुकर जी। अच्छा रमेश भैया बहुत धन्यवाद है, बहुत खूबसूरत बातें आपने कही की भाषा के साथ बहुत अच्छा तोड़ फोड़ का सिलसिला उन्होंने कायम किया। जी जी बहुत प्रयोगवादी कवि जी 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 बहुत धन्यवाद और आपका सुझाव सबसे अच्छा आने को सुझाव भर के आए। मौसी ने उसे बहुत सी बातें जोड़ी और सारे सुझावों पर बहुत सार्थकता से विचार किया जाएगा और हम लोग जरूर आपको और खबरें सुनाएंगे। बहरहाल अब मैं इसके बाद निवेदित करती हूँ मेरे गुरु समान आदरणीय गुरु।